हमारे सहयोगी भारत सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जी ने और हरियाणा सरकार के मंत्री दिलीपुर गोयल, यहां की महापौर श्रीमती चुनम बारा जी, विधायक श्रीमती सीमा कुरेपाल, विधायक श्री मूलचंद जी शर्मा, जिलाध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा और इस कार्यक्रम की संचालिका दीक्षा जी और यहां मौजूद सभी मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे कोई लंबा भाषण नहीं करना क्योंकि आपने अभी अभी जो कुछ भी देखा है इस पर्दे के ऊपर प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए देखा है और यहां तक कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियों को इस देश के कोने कोने से भी बोलते हुए और स्वच्छता के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए आपने अच्छी तरह सुना है। मैंने यह फैसला किया इस कार्यक्रम में मैं दिल्ली भी जा सकता था, उत्तर प्रदेश भी जा सकता था अथवा देश के किसी दूसरे राज्य में भी जा सकता था, लेकिन एक हरियाणा के साथ अपना लगाव होने के कारण मैंने यह फैसला किया कि स्वच्छता ही सेवा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यदि मैं किसी राज्य में जाऊंगा तो हरियाणा राज्य में जाऊंगा और हमने एक फरीदाबाद का यहां पर चयन किया। स्वच्छता का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है यह मुझे बहुत विस्तार में जाकर बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे आजादी हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अभियान चलाया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ने भारत को एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाने के लिए स्वच्छाग्रह का अभियान सारे हिंदुस्तान में चला रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं अपनी सरकार की तरफ से, वह दिन दूर नहीं है कि हमारा यह पूरा भारत सारी दुनिया की नजरों में एक स्वच्छ भारत के रूप में जाना जाएगा और साथ ही साथ एक स्वस्थ भारत के रूप में जाना जाएगा। जहां तक स्वच्छता का प्रश्न है, यह स्वच्छता मनुष्य के जीवन का एक संस्कार है, जिनके जीवन में यह संस्कार न हो, मैं यह उनसे निवेदन करना चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छता को अपने जीवन में एक संस्कार के रूप में विकसित करना चाहिए। आज के 4 वर्ष पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में इस अभियान की शुरुआत की है, उसका परिणाम अब देश के कोने कोने में लोगों को दिखने लगा है। यहां तक कि कई स्थानों पर मैंने देखा है बच्चों के अंदर भी ऐसी जागरूकता पैदा हो गई है, यदि कहीं पर कोई गंदगी करने की कोशिश करता है तो बच्चा भी उसको रोकने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करता है। यहां तक किसी साफ स्थान पर कोई कूड़ा करकट डालने की, कोई कागज डालने की अथवा कुछ भी डालने की यदि कोशिश करता है तो 4 बार उसको सोचना पड़ता है कि जो मैं यह काम कर रहा हूं यह गलत है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे हालात पैदा होते हैं। स्वच्छता का जहां तक प्रश्न है, आप जानते हैं व्यक्ति यदि स्वच्छ होता है तो वह भी देखने में सुंदर लगता है, स्थान भी यदि स्वच्छ होता है तो वह भी देखने में सुंदर लगता है और परमात्मा का निवास भी यदि कहीं होता है तो जहां स्वच्छता होती है वहीं परमात्मा का भी निवास होता है। इस सच्चाई को भी हम अच्छी तरह समझते हैं। मैं तो यह मानता हूं मनुष्य के जीवन की स्वच्छता यह एक स्मार्टनेस है, जहां स्वच्छता होगी वहां के लोग स्मार्ट देखेंगे, वहां लुंज पुंज ढीले ढाले लोग दिखाई नहीं देंगे बल्कि स्मार्ट दिखने में लगेंगे वहां के। जिंदगी में भी हम स्मार्टनेस पैदा करना चाहते हैं तब भी आवश्यक है हम खुद भी स्वस्थ रखें और अपने आस पास के क्षेत्रों को भी हम स्वस्थ रखें, यही हमारी तरफ से प्रयास होना चाहिए। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं भी आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप हम लोग स्वच्छता का एक कार्यक्रम है, प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, क्योंकि आज यह अभियान सारे देश भर में चलाया जा रहा है, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और यहां पर सफाई का काम प्रारंभ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय जी।
भाई से रख दो पीछे सामने है। राजनाथ सिंह जी का फैजाबाद की जनता की तरफ से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने बड़े शांति से